साथियों, यात्रा एक राह में हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, कला के क्षेत्र से हैं, एजुकेशन क्षेत्र से भी हैं और कुछ सीनियर्स भी यहाँ पर हैं। मैं चाहूँगा कि यात्रा एक राह के बारे में मैं उन लोगों से उनकी राय जानना चाहूँगा कि यात्रा एक राह के बारे में आपकी क्या चाहत है और क्या उद्देश्य है और किस तरह से आप लोग मैडम का साथ दे रहे हैं। साथियों, हमारे बीच में राधे श्याम जायसवाल जी, जिनका योगा का कार्यक्रम चलता है। जैसा कि हमें पता है कि योगा बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि योगा मास्टर राधे श्याम जायसवाल जी यात्रा एक राह के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी धन्यवाद, राधे श्याम बोल रहा हूँ मैं। यात्रा एक राह जो है श्रीमती सुजाता मैडम जी का है और उन्होंने काय के क्षेत्र में इतनी बढ़िया मार्ग अपनाया है और गरीबों को स्लम में जा जाकर बच्चों लोगों से मिलना बहुत ही कठिन होता है। मुझे नहीं लगता कि आज के युग में ऐसा भी कोई घर में जाकर, स्लम में जाकर और बारिशों में भी जाकर बच्चों को इकट्ठा करना, उनकी पढ़ाई में योगदान, उनके हर कार्य क्षेत्र में, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यात्रा एक राह में योगा से लेकर डांस, कराटे एक्टिविटी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ चलती रहती हैं। हमने पिछले छः महीनों से मैडम के साथ जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से मैडम ने काम करके दिखलाया है यात्रा एक राह में, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई लेडी यहाँ पे करके दिखाए और जो उपलब्धियाँ मैडम ने हासिल करके दिखाया है। और हमारे सामने देखो, ग्लोबल अवार्ड भी जीता है मैडम ने, USA ग्लोबल PhD अवार्ड जीता है। इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। मैडम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और इस तरीके से अवार्ड भी जीत रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैडम इस तरीके से आगे बढ़ें और योगा ग्रैंड मास्टर राधे श्याम मैडम के हरदम साथ में रहेगा, कार्य को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। हमारे साथ और भी एक संगठन के जया फाउंडेशन की सेक्रेटरी भी यहाँ आई हैं, जिनका भी बहुत योगदान साथ रहा है समाज के लिए और यात्रा एक राह में आज वो यहाँ पर उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि उनकी भी राय यात्रा एक राह के बारे में। नमस्ते, हमारा नाम सुमन त्रिपाठी है जी। यात्रा एक राह इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप यात्रा करते रहिए, राह मिलता रहेगा, ठीक है ना। और मैडम जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि मैडम इस काम में सबसे आगे हैं और हम चाहते हैं कि मैडम इसे आगे बढ़ते रहें और हम लोगों को भी अपने साथ लेते रहें और आगे ऐसे चलते रहें। धन्यवाद। यात्रा एक राह, यात्रा पे चलते रहिए, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। बिना चलते हुए मंजिल नहीं मिल सकती। हमारे और एक सीनियर यहाँ पे हैं, सर आपका नाम जानना चाहेंगे। महादेव सावरडेकर, यात्रा एक राह से मैं मदद कर रहा हूँ। यात्रा एक राह में बच्चों को एक अच्छी तरह से एजुकेशन के लिए हेल्प या अपने आर्ट्स या ये एक उनके भविष्य के बारे में सोच विचार करना, एक हमारे मैडम जी कनक रत्नम जी जैसे इनके अध्यक्षता में ये यात्रा एक राह चलती है, तो उन्होंने गरीब बच्चों को या किसी एक स्टूडेंट स्टडी करने वाले बच्चों को एक हेल्प करना, इसके बारे में वो यात्रा एक राह से हेल्प देते हैं या अपने योगा का और ये कराटे का एक अपना एक प्रोग्राम रखना, एक ऐसे एक सेमिनार रखना, ये रख देते हैं। इसके लिए बच्चों को एक अच्छा स्पिरिचुअल ऐसा अवस्था एक बन जाती है और एक्टिव हो जाते हैं और उनके जीवन में एक ये अच्छा समय आने का वक्त होता है। तो ऐसे एक काम अपने बारे में एक माँ ही सोच सकती है, तो बच्चे लोग उनको माँ भी कहते हैं, तो उन्हें ये बात धन्यवाद कहता हूँ मैं।
चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। यात्रा एक राह की श्रृंखला में हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं जो यात्रा एक राह में लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। बच्चों ने किस तरह से मैडम का साथ दिया है और मैडम ने किस तरह से बच्चों के लिए योगदान दिया है, आज हमारे बीच अभी कुछ स्टूडेंट भी हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे। माझं नाव सीमा सुर्वे आणि मी 3 वर्षापासून मॅम आम्हाला शिकवतात, म्हणजे असं नाटक वगैरे सगळं शिकवतात आणि त्यांनी आमच्यासाठी डान्स वगैरे सगळं सुरू केले आणि आम्हाला कुठे कुठे नेतात असं समजायला असं आम्ही एकदा इथे आश्रममध्ये गेलो होतो, अनाथ आश्रममध्ये। तिथे त्यांनी आम्हाला सांगितलं की कशी मुलं राहतात ते सगळं आम्ही बघितलं आणि नंतर मॅम आम्हाला खूपच म्हणजे असं हेल्प करतात आणि आम्हाला इकडे यायला खूप आवडतं, असं वेगवेगळं आम्हाला काय काय शिकायला भेटतं, ॲक्टिव्हिटीज वगैरे करायला भेटतात। आणि पहिला आम्ही स्टेजवरती जायला खूप घाबरायचो, पण आता खूप चांगलं वाटतं, असं म्हणजे हिंमत आल्यासारखं वाटतं आणि मॅम आम्हाला मोटिवेशन देतात। तो साथियों, जैसा की हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर कितना उत्साह है और कितनी लगन है यात्रा एक राह के यात्रा में चलने का। कुछ और भी स्टूडेंट हैं, आपका नाम और अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं? सर मेरा ग्रेजुएशन हो गया अभी और मेरा नाम है रोहित गुप्ता। और ग्रेजुएशन के बाद मैं एक कैंप में गया था, तभी माँ मुझे मिली थी। हम लोग इनको माँ कह के बोलते हैं क्योंकि ऐसा बहुत ही कम मतलब मिलता है कि किसी को हम माँ कह के बोले, क्योंकि बहुत ख्याल रखती है माँ हमारा और हम लोग यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। और हर संडे को यहाँ पे आते और बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे योगा हो गया और कुछ जनरल नॉलेज वगैरह बच्चों को पढ़ाते हैं छोटे छोटे, और बहुत इंजॉय करते हैं। और उसके बाद कुछ मतलब कहीं बाहर फंक्शन होता है, जैसे अभी हम लोग करेंटली विशाखापट्टनम में जाके आए थे, तो वहाँ पर हम लोग बहुत इंजॉय करें। और थिएटर वगैरह कैसे थिएटर को कैसे फेस करते हैं वो सब हमको थोड़ा पता चला, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थिएटर वगैरह शो करते हैं। लोकेश मोहन खट्टर सर, वो हमारा साल में दो बार थिएटर का क्लासेस लेते हैं, तो हमको कुछ मतलब पता चला वहाँ से कि कैसे होता है थिएटर वगैरह, फेस कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ माँ का, धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं जितना बोलूँ उतना ही कम है मेरे लिए। अभी मैं पिछले 6 महीने से यात्रा एक राह से जुड़ा हूँ। यात्रा एक राह तो आप सभी जानते हैं कि यात्रा एक राह मतलब क्या है। यात्रा एक राह मतलब एक यात्रा जो एक जर्नी है उसका एक रास्ता दिखाना। और मैं इस मैं जब यहाँ पर आया था तो मुझे मतलब कुछ पता नहीं था कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब आगे होते गया फिर मुझे यहाँ पे एक सीधा ड्रामा में काम मिला। फिर वहाँ से मुझे स्टेज में जब भी मैं स्टेज पे जाता था, बोलने के लिए जाता था, तो मुझे बहुत ही मतलब घबराहट महसूस होती थी। और ये जब यात्रा एक राह में आकर मुझे स्टेज पूरा परफॉर्मेंस सिखा दिया, लोगों से कैसे बात करना है, कैसे रहना है। और यहाँ पर जो हमारी जो मैडम है, हमारी हम लोग मैडम नहीं बोलते हैं, हम लोग उनको माँ करके बुलाते हैं, क्योंकि एक माँ वो है जो जिसने मुझे जन्म दी, और एक माँ हमारी ये माँ है जो हमें एक मार्गदर्शन दिखा रही है हमारे आने वाले फ्यूचर में, हमारे भविष्य में। इन सारे बच्चों को जो हम मतलब जो गरीब है, हमारे अंदर एक ऐसा मतलब एक टैलेंट है हमारे अंदर, हर किसी के पास टैलेंट है, लेकिन हमारे पास एक वो नहीं है, जरिया नहीं है। वो जरिया है हमारा एक यात्रा एक राह, हमारी माँ। हम उनका तो नाम नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो बहुत ही उनका सैल्यूट है हमारे लिए। और माँ हमें अभी हम विशाखापट्टनम में जाकर आए, वहाँ से हमने बहुत सारे सीखे और कैसे थिएटर फेस करते, कैसे क्या करते हैं। और हमारा एक हमारे सर है लोकेश सर, उनके लिए जितना भी बोलूँ बहुत ही कम है। वो सर बहुत ही हमें इतना सिखाते हैं कैसे थिएटर करते, कैसे किया जाता है। अभी सर एक्चुअली तो बिजी हैं इसलिए आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सर से विनती है सर आ जाइए, हमको सिखाइए यहाँ पर। और सर थिएटर कर रहे हैं, मूवी कर रहे हैं, और उनको हरियाणा सरकार ने कला परिषद में सदस्य का मेंबर बनाया है। और सर को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर हमको यहाँ पर, और माँ के साथ में काम करते हैं। और माँ
माँ के लिए, माँ एक ऐसी माँ है जो एक ऐसी व्यक्ति है, मुझे लगता है कि ये गॉड गिफ्ट हैं यहाँ पर इस धरती पर आई है। और इस 2018 जनरेशन में, 21 सेंचुरी में, तो मुझे नहीं लगता 21 शताब्दी में कोई ऐसा आएगा। एक घर घर पे जाके, असलम एरिया में जाके लोगों को बोलती है, आइए आप आइए, यहाँ पर आइए, हमारे हमसे जुड़िए, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ फैसिलिटी देंगे, पढ़ाने का जो भी रहेगा, कुछ भी खर्चा, आप आइए। ऐसा कोई तो मुझे तो नहीं लगता सर कोई यहाँ पर ऐसा करेगा। और मुझे यहाँ पर आके तो बहुत, मैं गर्व महसूस करता हूँ, प्राउड ऑफ फील करता हूँ मैं यहाँ पर। साथियों, माँ शब्द हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये शब्द आज मैं यात्रा एक राह को जन विकास आवाज़ के तरफ से फिर से एक बार सलूट करता हूँ। बहुत ही इमोशनल, हमारे यहाँ पर स्टूडेंट मैडम भी इमोशनल हो गई, तो ये बहुत बड़ी बात है माँ शब्द कहना किसी के लिए। एक जन्म देने वाली माँ होती है और एक आगे बढ़ाने वाली, प्रोत्साहन देने वाली माँ होती है। और मैं समझता हूँ कि जन्म देने से ज़्यादा बढ़कर पालने पोषने वाली और राह दिखाने वाली माँ सबसे बड़ा अधिकार रखती है। तो इसी श्रृंखला में हमारी मैडम काम कर रही हैं, मैं उनको बार बार बधाई देता हूं कि हमारी सारी दुआएं उनके साथ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ छोटे बच्चे भी यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ कौन से एक्टिविटी कर रहे हैं। आप बताइए, आपका नाम बताइए और आप क्या कर रहे हैं यात्रा एक राह में। सर, मेरा नाम कामिल है, मैं पिछले 4 साल से यात्रा में हूँ। मैं पहले जब मैं आया था तब मुझे एक्टिंग आती नहीं थी। सर ने और माँ ने सबको बुलाया, पहले बहुत लोग थे हम लोग ने, फिर मैं एक्टिंग करने लगा। फिर पिछले साल मेरे को लीड रोल पर रखा, ऐसा मैं एक्टिंग करते गया। मैम ने फिर हमको, माँ ने बहुत सिखाया है। आपका नाम? मेरा नाम विशाखा धाड़े, जैसे हमारी सुचरिता मैम, हम उनको मैम ने बुलाते, उनको हम माँ करके पुकारते, वैसे घर में हमारी माँ घर में ध्यान देते, बेटा वो मत करना, ये मत करना, अच्छा पढ़ाई करना, तुम सब ऐसा करना, जैसे हमारी ये दूसरी माँ है सुचरिता माँ, जो हमको बताती आगे बढ़ने के लिए, हमको बहुत हेल्प करती, जो रोज़ संडे जो हर संडे को हमारा डांस क्लास, पढ़ाई ऐसा सब लेते। और जो एक हमारे सर है लोकेश सर, हरियाणा से, दो साल में 2 बार आते, वो हमारा 15 दिन एक्टिंग लेते, हमारी एक्टिंग लेते, डांस लेते, मैम और सर बहुत हेल्प करते, उनके लिए मेरा बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। साथियों, जैसा कि बच्चों ने इतनी बड़ी बात कही, माँ शब्द का उपयोग किया, अनमोल वर्ड है ये, जिसका कोई मोल नहीं है, और मैडम भी हमारी इमोशनल हो गई हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही, जिसको अप्रिशिएट जन विकास आवाज़, मैं समझता हूँ कि पूरे सारे मनुष्य जाति को करना चाहिए, इतना बड़ा काम इन्होंने किया है। मैडम, अभी जो स्टूडेंट लोगों ने आपके बारे में कहा, 2 शब्द मैं चाहूँगा कि इनके बारे में आप जी। सच्चाई बच्चे, मैं भी बहुत इमोशनल हो गया हूँ। धन्यवाद। हाँ, बच्चे यहाँ पे जाता है, फिर कहीं पे भी जाता है, फिर मैं, मुझे ये बच्चे घर पहुँचने तक भी मुझे चिंता रहता है, और हर रोज़ हम लोग व्हाट्सएप में चलता रहता है हमारा बातें, बहुत इमोशनल है। साथियों, ये भावनाएं हैं, ये एक माँ की भावना हो सकती है, ये हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं, हम चाहेंगे कि वो भी अपनी राय माँ के बारे में दें। मेरा नाम समीर है, मैं यात्रा एक राज से पिछले 6 महीने से जुड़ा हूँ, और यहाँ पे मैंने देखा कि मतलब जो बाहर कोई नहीं कर सकता ना, वो हमारी माँ कर रही है। मतलब कि अगर हम जब तक घर नहीं पहुँच जाते, तब तक हमें फ़ोन मैसेज आते रहते हैं, बच्चे कहाँ पहुँचे, आप क्या कर रहे हैं, बच्चे आप कैसे हो, अगर हम यहाँ पे नहीं भी आए तो भी हमें फ़ोन करके पूछते हैं कि कैसे है, ये मत करना, वो मत करना, मतलब कि हमारा केयरिंग करते हैं ना, वैसे कि जैसा कोई नहीं करता ना, वैसे हमारी माँ करती है। अब मतलब कि हम चाहते हैं ना कि ऐसी माँ सबको मिले, सिर्फ हम लोग को मिली है, कि ये सबको ऐसी माँ मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद।
एक्चुअली हमारे बच्चों के लिए लोकेश सर वो ये लोकेश सर आके एक्टिंग सिखाता है, और मेरा बेटी है खुद प्रवल्लिका देवरपल्ली, वो आती है ये 15 दिन में, वो अभी लॉ पढ़ रहे पुणे में पढ़ती है, 15 दिन वर्कशॉप में वो खुद आके हमारे बच्चों को डांस सिखाता है। हम सब एक फैमिली जैसा रहता है, हम यहाँ पे खाना खाता है, डब्बा लेके आता है, सब बच्चे शेयर करता है, इट्स लाइक ए वन फैमिली जैसा हम लोग यहाँ पे होता है। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे बेटी भी इनके साथ एक बहन जैसा, ये लोग उनको नहीं बोलता है, हम लोग और दीदी बोलता है, और हर महीना किस किस बच्चे का बर्थडे रहता है, हम मंथ एंडिंग में या हम सब मिलते हैं, सर सर हम लोग ग्रुप है हमारा सब, मेरे बेटी और लोकेश सर वगैरह सब लोग रहता है, तब हम 6 मंथ्स में एक बार सबका बर्थडे बनाता है, वो भी हमारे से होता है, सब बच्चों का बर्थडे होता है, सब क्या क्या एंजॉयमेंट हमारे यहाँ पे होता है। आपका नाम और आपका परिचय के साथ साथ जो अम्मा एक्टिविटीज़ कर रही हैं, क्या अनुभव रहा आपका, उसके बारे में हमें बताइए। मेरा नाम मोहम्मद कैफ है, मैं यहाँ 3 साल से हूँ, और हमारी जो माँ है वो हमारे लिए बहुत कुछ करती है, जैसे माँ ने आप भी बोला कि उनकी बेटी जो है प्रवलिका दीदी वो हमें आके डांस सिखाती है, उनका कॉलेज रहता है लेकिन वो कॉलेज छोड़कर फिर भी हमारे इधर आके हम लोग को डांस सिखाती है, और अगर किसी को अगर और हम लोग को डांस सिखाती है 15 दिन रोज, और जो माँ है इन लोग इनने स्ट्रीट शो भी किया था स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर, और हम लोग इन्हें माँ भी बुलाते हैं, जैसे फिर ये जो है माँ हम बड़े लोगों के लिए UPSC की क्लास भी रखती है, क्लास भी चालू है अभी, तो बस इतना ही। चलिए साथियों, ऐसे भी बच्चे हैं जो जॉब करके आते हैं, जो जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, और साथ साथ यात्रा एक राह में भी जुड़े हुए हैं। ऐसे एक स्टूडेंट हैं हमारे साथ, आप इस संगठन के बारे में, यात्रा एक राह के बारे में, अम्मा जी के बारे में, अपनी जो आपकी सोच है उसके बारे में। हेलो, मेरा नाम आकाश है, मुझे यहाँ के इतना पता चला है कि हमें हिंदी को कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। लास्ट मंथ में हमने एक प्ले किया था हिंदी वर्सेस इंग्लिश की इम्पोर्टेंस, तो बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत लोगों ने बोला कि आप कंटिन्यू करो, आज जाके पता चला कि हमें हिंदी कितना बोलना चाहिए। जब बाहर के लोग अपनी लैंग्वेज में प्राउड से बोल सकते हैं तो हम हिंदी क्यों नहीं बोल सकते, तो इस एक यात्रा एक राह में आके मुझे पता चला है कि हिंदी को कितनी इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत होता है, मैं इम्पोर्टेंस बोल रहा हूँ, इज्जत नहीं बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट बोलता हूँ, तो वही अभी सीख रहा हूँ मैं भी थोड़ा थोड़ा कि हिंदी को इतनी रिस्पेक्ट दूँ, हिंदी को इज्जत करके बोलूँ, और सबसे आप करके बात करूँ, तू करके बात नहीं करूँ। यहाँ के मैंने सब चीज़ें सीखी है, फिर मैंने कम्युनिकेशन स्किल सीखा है कि बड़ों से कैसे बात करनी है, अनजाना लोगों से कैसे बात करनी है, फिर बच्चों को कैसे सिखाना है, खुद बच्चों से कैसे सीखना है, कि ये छोटे छोटे बच्चों के पास भी बहुत ऐसी चीज़ें जो हमारे पास नहीं होगी लेकिन इनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वही सब चीज़ें। नाम तो मेरा आकाश है लेकिन यहाँ के मैं आकाश में उड़ जाता हूँ कभी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, देख रहे हैं जैसा कि हम लोग कि बच्चे इस यात्रा की राह में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं कि ये तय है कि उन्हें मंजिल मिलनी है, और ज़रूर मंजिल मिलेगी, क्योंकि यात्रा की राह उनको एक ऐसे रास्ते पर लेके जा रही है कि जहाँ पर उनकी मंजिल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, मैं मैडम का, अम्मा जी का, और हमारे साथी जितने भी यहाँ पर आए सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।